लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट यू गाइस डूइंग? गाइस तुम लोगों ने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि जब से ये इंटरनेट का जमाना आया है ना, ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन नंबर्स, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, नंबर ऑफ फॉलोअर्स, नंबर ऑफ लाइक्स, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ हिट्स। बहुत ज्यादा पुराने जमाने में, मतलब स्टोन एज में, लोग खाने को लेके मारपीट करते थे। उसके बाद वो गया और राजाओं का जमाना है। राजाओं के जमाने में लोगों ने चालू किया जमीन को लेके मारपीट। उसके बाद राजाओं का भी जमाना गया, हुआ वर्ल्ड वॉर, और वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों ने चालू किया मिट्टी के नीचे जो तेल है उसको लेके मारपीट। उसके बाद पिछले 10-15 साल में, आई मीन इंटरनेट एज में, अभी होता है नंबर्स को लेके मारपीट। जिसके पास नंबर ज्यादा है वो शहंशाह है। हाँ, ये बात सच है कि अगर तुम्हारे पास नंबर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब लोग तुम्हें काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। गुड, बट माई फ्रेंड, इट इज ऑल्सो ट्रू दैट नंबर्स हैव नथिंग टू डू विद क्रिएटिव क्वालिटी। अभी सोचो, दो लड़के, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही टाइप के कंटेंट बनाते हैं, लेकिन एक के पास है 1 मिलियन सब्सक्राइबर और दूसरे के पास है 5000 सब्सक्राइबर। नाउ ऑब्वियसली दिस गाय इज मोर फेमस, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये बंदा इस बंदे से बेटर क्वालिटी का कंटेंट बनाता है। हाँ, बना सकता है, पर नहीं भी बना सकता है। मे बी ये बंदा इससे बेटर कंटेंट बनाता है। अब बिट कंफ्यूजिंग, राइट? एक एग्जांपल देता हूँ। जुड़वा 2 और न्यूटन ऑलमोस्ट सेम ही टाइम पे रिलीज हुआ था। एक ने बहुत पैसा कमाया, एक ने उतना पैसा नहीं कमाया, पर हम सबको पता है दोनों में से कौन सी फिल्म बेटर है। अभी सवाल है कि मैं ये सब चीजें क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज आई पर्सनली नेवर डिपेंड ऑन नंबर्स। यूट्यूब इज नेवर माई करियर एंड इट नेवर विल बी। तो अभी सवाल आ गया कि मैं यूट्यूब में अपलोड क्यों करता हूँ? Because I have that creative कीड़ा inside my body. Every week वो कीड़ा मुझे काटता है कि कुछ crazy कर, कुछ नया कर, हर हफ्ते एक नया फिल्म बना। और वो मैं YouTube में अपलोड करता हूँ क्योंकि मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। That's it. पर हर वीडियो के आखिर में मैं क्यों बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे को पता चले कि कितने लोग मेरा जो काम है, मेरा जो पैशन है, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। So we all can make a healthy creative community. तो कल रात सोते सोते मैं यही बात सोच रहा था और मेरे नींद में एक डरावना आदमी आया। सब्सक्राइबर्स, 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 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। हाँ, कौन है? मैं आधार कार्ड लेके नहीं घूमता, चाहिए कि नहीं बता? हाँ, तो ये कोई पूछने की बात थोड़ी ना है, ऑब्वियसली चाहिए। तो एक काम कर, अपने चैनल का जो प्रिंट आउट तूने निकाला है उसके ऊपर लिख 1000 सब्सक्राइबर्स, उसको एक प्लास्टिक के बोतल में डाल और किसी समंदर के नीचे जाके दफन करके आ जाएंगे 1000 सब्सक्राइबर्स। ओ, तो कल बोलेगा कि 10000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, एक छिपकली को पकड़ के उसका पूंछ काट के उसको खा ले, तो मैं खा लूंगा क्या? ब्रो, कंटेंट समझता है। ओ, बेस्ट ऑफ लक। Now I'm never a superstitious guy, but Sunday है, करने को तो कुछ है नहीं घर में, तो चलते हैं। वो आदमी कुछ भी हो लेकिन 100% cool dude है। This is crazy. Guys, we are at Marve Beach. वैसे जो लोग मुंबई से हैं, वो शायद expect कर सकते हैं क्योंकि इस जगह से आप दो ही बीच जा सकते हो, एक है मनोरी बीच और दूसरा है गोराई बीच। वैसे इन दोनों में से मुझे कोई भी बीच ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से ये बीच जाने का जो रूट है that is complete ass. वैसे मनोरी बीच में पहले जा चुका हूँ और अभी उसका कंडीशन भी उतना अच्छा नहीं है, सो दिस टाइम लेट्स गो टू गोराई। अब इसके अंदर जाऊंगा कैसे मैं? गाइस, टाइड कुछ ज्यादा ही जोर से चल रही है, बट एनीवे अगर आ गया तो देयर इज नो गोइंग बैक। वैसे गाइस, अगर आप लोग केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश, देन आप लोग देखोगे कि आप लोगों के बीच का जो रेत होता है वो काफी सॉफ्ट होता है, और मुंबई में मैंने जितने भी बीच देखे इसका नीचे का जो रेत होता है दैट इज वेरी हार्ड। और मैं जो प्लास्टिक का बोतल लेकर अंदर घुसूंगा उस बोतल के अंदर पूरा एयर है, एयर भरे हुए चीज को पानी के अंदर घुसाना, सो उसका जो विस्कोसिटी है, जो टर्म होता है फिजिक्स का, सो दैट वुड बी अ टफ जॉब। उसके बाद इस हार्ड मिट्टी में उस बोतल का ऐसे खोद के घुसाना अनदर टफ जॉब, बट जो डिसाइड कर लिया वो डिसाइड कर लिया, लेट्स गो। सो गाइस, बोतल इधर है और अपना एक्शन कैमरा सेट है, तो मैं बस इसको अंदर घुसा के आया। Thank you.
पहले ही बोला था कि बॉटल के अंदर है एयर। एक एयर वाले बॉटल का अगर आप पानी के नीचे लेके जाओगे तो विस्कोसिटी फिजिक्स इट वुड बी टू मच टफ। और मैं कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहा था कि अपने पैर से ऐसे ऐसे करके जो रेत है उसमें ऐसा एक होल बनाऊं और उसके बाद उसको अंदर घुसाऊं। पर जब भी मैं होल बना रहा था और एक और टाइड आ रहा था आई वॉज कंप्लीटली इधर उधर। उसके बाद मेरे को मिल ही नहीं रहा था वो होल मैंने कहां पे बनाया। तो ऐसे मैं ऑलमोस्ट 5-6 होल बना चुका था बट आई वॉज फेल्ड। देन मैं कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहा था कि बोतल को उल्टा करके उसका जो कैप वाला पार्ट है उसको नीचे ऐसे स्क्रू ड्राइवर की तरह घुसाऊं। उससे मेरे को लग रहा था कि हो जाएगा लेकिन जब भी कोई नई टाई आ रही थी फिर आई वाज डिस्प्लेस्ड। और ये वाला जो रेत है ये बहुत ही हार्ड वाला रेत है तो इसके अंदर होल करना भी इज वेरी टफ। उसके बाद तुम लोगों ने देखा होगा मैंने थोड़ा सा पानी घुसाया अंदर बिकॉज ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा था कि 20 मिनट निकल गया और मैं इसको घुसा ही नहीं पा रहा हूं। और बीच में तो मेरे को ऐसा भी लग रहा था कि आई एम डूइंग ए वेरी स्टूपिड थिंग मैं जस्ट उस बोतल को लेकर थ्रो कर दूं और निकल जाऊं। बट दैट मींस आई एम टेकिंग नो फॉर एन आंसर। और गाइस ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन 1000 सब्सक्राइबर्स का है दैट्स व्हाई आई एम सो मच सीरियस। नो कोई भी काम हो डजंट मैटर वो कितना सीरियस है डजंट मैटर वो कितना स्टूपिड है। अगर तुमने सोच लिया करना है इसका मतलब करना है डजंट मैटर उसमें कितना स्ट्रगल लगे कितना टाइम लगे। पूरा आधा घंटा मैंने स्ट्रगल किया उस बोतल को अंदर घुसाने में। पहले मैं होल कर रहा था एज ए स्ट्रेट उसके बाद मैंने होल बनाना चालू किया ऐसे मतलब ये वाला जो है ग्राउंड है मैंने अपना पैर ऐसे घुसा कि ऐसे एक इंक्लाइन होल बनाना चालू किया पहली बार दूसरी बार बट एट द थर्ड टाइम एक टाइट पीछे से गया फिर मैं कंप्लीटली अंदर घुस के उसको बॉटल को घुसाया आके ऊपर आ गया। उसके जब नेक्स्ट टाइट गया आई वाज शॉक्ड पिछले 17-18 बार बॉटल ऊपर आ गया था बट इस बार वो ऊपर नहीं आया इट वाज सक्सेस। सो गाइस आई जस्ट नीड 1000 सब्सक्राइबर्स। तुम लोगों के जितने भी दोस्त है जो यूट्यूब में रहना पसंद करते हैं सब लोगों के मेल बॉक्स में सेंड कर दो 1000 सब्सक्राइबर्स। ऑलराइट गाइस दैट वाज द व्लॉग। अभी मैंने यहाँ पे बैठ के इतना चिल्ला लिया कि जितने भी यहाँ पे हॉकर लोग हैं सब मेरे को देख रहे हैं ऐसे। एनीवे गोराई बीच वाज वेरी लवली। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट थम्स अप और सब्सक्राइब करना है। माय नेम इज एंड्रिक्स एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन पीस एंड एंजॉय।